मेरे पास जो स्टार्टिंग मिल्क है वो 12 लीटर से स्टार्ट है और 12 लीटर से स्टार्ट होकर के 20 लीटर तक रेडी है इस टाइम। 90-95 हजार शुरू कर करके आप भैंस हमारे पास सर जी 2 लाख तक की ले लीजिए। ठीक है, हर तरह की भैंस मिलेगी। ऑर्डर क्वालिटी आप जैसा कुछ दे सकते हैं, एक नंबर की है सर, सेकंड बार की है सर, बॉडी लेंथ सब चीज चेक कीजिए, ऑर्डर चेक कीजिए, 1 वीक का बच्चा सर इसका अभी। आप सर ऑर्डर की क्वालिटी सेइंग सब चेक कर सकते हैं सर। और सर इसको आज 8 दिन हो गए बच्चा देखो, इसका स्टेप जो मिल्क है 17 लीटर रेडी है सर। 17 लीटर बिल्कुल सर, बिल्कुल 20 बोला है तो 21 मिलेगा, 19 नहीं मिलेगा। सर बोलू शकता शेतकरी मित्रांनो, दुसरी बादली भरलेली आहे, आता तिसरी बादली परत एकदा लावली तर बघ। शेतकरी मित्रांनो नमस्कार, कृषी सल्ला यूट्यूब चॅनल मध्ये आपले सर स्वागत आहे। तर मंडळी आज आपण कर्नाल डेअरी फार्मिंग येथे आहे, हरियाणा कर्नाल। तर आज जे आपण बघतोय म्हशीचा फार्म आहे, जवळपास चांगल्या क्वालिटीचा 15 ते 20 म्हशीचं हे सर फार्मिंग करतात। तर प्रथम त्यांचा परिचय जाणून घेऊयात। भाई नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, अपना परिचय करके दो। मेरा नाम अमित चौहान है, मैं कर्नाल डेयरी फार्मिंग से हूँ, करनाल हरियाणा से। तो अभी जो ये भैंसों का काम है जी जी, कब से कर रहे हो? सर असल में मेरी तीसरी पीढ़ी काम कर रही है। हाँ। पहले मेरे दादाजी ने किया, फिर मेरे फादर ने, आगे हम कर रहे हैं। ओके ओके, मतलब बहुत सालों का अनुभव। हाँ, कम से कम इसको 70 साल कह सकते हैं, 70 साल से हमारा यही काम है। अच्छा जी, तो अभी आपके पास अभी कितने भैंस हैं? अभी सर मेरे पास जो लेटेस्ट में जो फ्रेश काविंग के अंदर है 12 भैंसे हैं। हाँ। फ्रेश काविंग में। अच्छा। और उसके अलावा मेरे पास बाकड़ी कुछ प्रेग्नेंट भैंसे वो अलग रखी हुई है थोड़ा सा मैंने। ठीक ठीक, ये सेल वाली अभी रेडी है सर, जितने भी है। हाँ। स्क्रीन पे सब दिखा सकते हैं आपको हम। हाँ, सब अभी भैंसे फ्रेश काविंग में। अच्छा, इसमें सर फर्स्ट और सेकंड की मिलेंगे मेरे पास, थर्ड की कोई भैंस नहीं मिलेगी। फर्स्ट और सेकंड की? बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्टिंग से ही हम फर्स्ट और सेकंड की रखते हैं। हाँ। क्योंकि सर जो कस्टमर हमसे फर्स्ट और सेकंड की लेगा तभी तो उसको 5-7 ब्याज पी सकता है, उसको रिलैक्सेशन रख सकता है अपने पास। बराबर, तो इसलिए हम रखते ही यही है कस्टमर के लिए। ओके जी, तो अभी जैसा की आपके पास भैंस है और पूरी की पूरी ब्रीडेड लगती है? बिल्कुल टोटली। हाँ, तो अभी इनका मिल्किंग कैपेसिटी क्या है? जो मेरे पास इस टाइम लेटेस्ट आप देख रहे हैं, इनका अभी फ्रेश काविंग है। हाँ। अंडर वीक से भी स्टार्ट है बच्चे, कोई 3 दिन का है, कोई 4 दिन का है। हाँ। मेरे पास जो स्टार्टिंग मिल्क है वो 12 लीटर से स्टार्ट है। अच्छा। और 12 लीटर से स्टार्ट होकर के 20 लीटर तक रेडी है इस टाइम। हम आपको लाइव मिल्किंग दिखाएंगे। हाँ। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये भैंस है, जैसे इस भैंस का इस टाइम 20 लीटर मिल्क रेडी है इस टाइम। ठीक, बिल्कुल। हाँ, हाँ, और इस टाइम 8 दिन का बच्चा है इसका। 8 दिन का बच्चा है और बिल्कुल 20 लीटर मिल्क रेडी है। रेडी है सर, बिल्कुल। और जबकि देखो तुरंत डिलीवरी होके ज्यादा मिल्किंग नहीं रहता। हाँ जी, हाँ जी। कितने मिल्क तक जाएगी आगे? सर जो मेरा अनुमान है सर ये 23-24 लीटर तक दूध देगी इस बात में। अच्छा अच्छा। हाँ, चैंपियन ब्रीड की भैंस है सर। हाँ, इसकी हर चीज क्वालिटी देख सकते हैं मेरे पास। अभी लोग बोलते हैं कि इतना दूध भैंस नहीं देती, गाय देती है। नहीं सर, तो हम बोलेंगे सर, वो हम दिखाएंगे सर, ब्रीड पे आइए ना आप। हाँ। अगर आप ब्रीड पे काम करते हैं, ब्रीड लेते हैं। हाँ। आप हमारे पास आइए, हम आपको 22 लीटर 23 लीटर 24 लीटर की भैंसे हम देंगे आपको। अच्छा अच्छा। हाँ जी, आप आइए, आपको सब मिलेगा हमारे पास। ठीक, देखो सर जो 12 लीटर की भैंस है हमारे पास से सर, वो सर 90-95 हजार शुरू हो जाएगी। और 90-95 हजार शुरू कर करके आप भैंस हमारे पास सर जी 2 लाख तक के ले लीजिए। ठीक है, हर तरह की भैंस मिलेगी। किसानों ने भैंस खरीदी? जी जी। तो आगे का कैसा, ट्रांसपोर्ट का कैसा सर? देखो ऐसा होता है, जैसे आप हमारे पास आए, आपने किसान ने हमसे भैंस खरीद ली। हाँ। भैंस कितने बाद 2 टाइम 3 टाइम मिल चेक करें, करने के बाद हमारा उनका बाद व्यवहार बन गया। व्यवहार होने के बाद हम सब भैंसों को सबको टोटली डॉक्टर बुला के सब चेकअप कराते हैं, किसी को कोई बुखार, किसी को ये दिक्कत तो नहीं है। फिर सबको हम आराम से बड़ा गाड़ी में, इसमें मान लो कि 12 एनिमल आता है, उसमें 10 गाय भैंस लोड करते हैं हम। उसके बच्चों का अलग कैबिन बनता है और रस्ते का सारा फीड जो होता है वो सब अलग, उसको अलग बांध के देते हैं। हाँ। और भैंस में अच्छा स्पेस देते हैं। ओके। नीचे बालू रेता सब डाल देते हैं। और एक दिन में गाड़ी वाले गाड़ी करते हैं, रात रात में सिर्फ 400 किलोमीटर चलाते हैं गाड़ी को। ओके। फिर 400 के बाद उसको देते हैं स्टॉपेज। ओके। तो ऐसे स्टॉपेज देने के बाद बात करते हैं हम, तो गैप देते देते चलते हैं। ठीक है, तो उसमें भैंस को स्ट्रेस नहीं बिल्कुल भी आएगा। अगर रस्ते में कोई थोड़ा बहुत बुखार आ भी जाए तो रस्ते में डॉक्टर वगैरह सब कुछ होता है अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो अभी जो किसान भाई आएंगे भैंस खरीदने के लिए, तो इधर डेयरी पे सब रहने के लिए, खाने के लिए सर, रहने की, खाने की सर, रहने सब व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। गर्मी में आए, सर्दी में आए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट से लेकर के हर चीज अवेलेबल है हमारे पास। हाँ। तंग होने की जरूरत नहीं है, बस आपको आना है, जहाँ पे आप आए हैं वहाँ से हम पिक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बराबर बराबर।
तर शेतकरी मित्रांनो बघू शकता सरांनी आपल्याला सगळी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. तर एक नंबरच्या म्हशी यांच्याकडे मिळतात आणि एक प्युअर मुरा, तर त्यांच्याकडे 20 लिटरची पण म्हैस आहे, त्याचं आपण लाईव्ह मिल्किंग करणार आहे. तो भाई अभी लाइव मिल्किंग करवाएंगे और एक एक पहले भैंस दिखाएंगे किसान लोग हैं उनको, कोई दिक्कत नहीं. तो भाई अभी ये भैंस है तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये सेकंड लैक्टेशन की है और इसको बच्चा दिएगा, अभी 4 डेज हुए हैं. अच्छा, अभी इसका 13 से 14 लीटर दूध रेडी है. ओके, और आप ये मान चलिए कि ये 18 से 20 लीटर दूध निकाल लेगी सेकंड बार में. 6 दांत है मुंह से, 6 दांत. हाँ जी, रेट क्या रहेगा इसका? इसका सर एक ही दाम रहेगा, 1,35,000 रुपए. 1,35,000. ये सर सेकंड लैक्टेशन का है, 6 दांत है. अच्छा, और अभी 6 दिन की ब्याई है इसमें, लगा चलो वो साथ में फीमेल है इसके. हाँ, ये सर 23-24 लीटर दूध आराम से निकालेगी बड़े प्यार से, बहुत शानदार है. ऑर्डर क्वालिटी आप जैसा कुछ दे सकते हैं, एक नंबर की है. ये सर सेकंड बार की है सर, बॉडी लेंथ सब चीज चेक कीजिए, ऑर्डर चेक कीजिए. अभी सिर्फ 4 डेज का बच्चा है इसका. कितने लीटर अभी रेडी है इसका? सर अभी 16 लीटर रेडी है. 16 लीटर? हाँ, 4 दिन का बच्चा सर अभी. अच्छा अच्छा. हाँ सर, बॉडी आप देखना किस्म का, छोटा हाथी है. हाँ, हर चीज चेक कीजिए सर, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से. दाम क्या रहेगा इसका? इसका सर एक ही दाम रहेगा सर, 1,70,000 रुपए. 1,70,000 जी. प्राइस ज्यादा नहीं क्या लग रही सर? देखो क्वालिटी पर बात, 20 से 24 लीटर वाली भैंस के लिए हम झूठ बोल के बुला लें आपको कि 1-10 में मिल जाएगा, 1-20 में, कोई फायदा नहीं है. लेकिन अगर क्वालिटी लेनी है भैंस का अगर आपको, तो थोड़ा रेट तो देना पड़ेगा बराबर. लेकिन हाँ ये बात है कि नेक्स्ट इलेक्ट्रेशन पे आप इसके 2.25 लाख की, 2.5 लाख कितनी मर्जी बेच सकते हैं. हाँ, वो तो बात. अब सर ये जो लेके आ रहे हैं फर्स्ट इलेक्ट्रेशन की है. हाँ, और फर्स्ट इलेक्ट्रेशन की है, मुंह से 2 दांत है सर अभी, और अभी 4 से 5 डेज का बच्चा है सर इसका. और सर इसका ये समझ चले कि अभी से ही इसका दूध जो है 14 लीटर रेडी है सर. 14 लीटर जी बिल्कुल सर. और 2 दांत है सर मुंह से भी. 2 दांत है बिल्कुल. ऑर्डर क्वालिटी आप हर चीज देख सकते हैं, निप्पल ऑर्डर सब, रिंग सिंग. उम्र सर अभी 2.5-3 साल की अभी उम्र हुई है इसकी पढ़िया की. अच्छा. हाँ जी, 4 डेज में अभी से 14 लीटर दूध रेडी कर रखे है इसने, बिल्कुल शांत शरीफ है. जैसे अब ये भैंस आ रही है आपके सामने, इसका सर इस टाइम 16-17 लीटर मिल्क रेडी है सर. 16 से प्लस 16 हो 17 हो. हाँ. 1 वीक का बच्चा सर इसका अभी. आप सर ऑर्डर की क्वालिटी सींग सब चेक कर सकते हैं सर. सिद्धले जी अब सर ये बड़े आराम से 18 लीटर दूध निकाल सकती है. बराबर. इसका भी सर बिल्कुल जायज रेट है 1,20,000 रुपए. 1,20,000 जी सर. ये भैंस के बारे में क्या बोलेंगे? सर ये भी सेकंड लैक्टेशन की है. अच्छा. और सर इसको आज 8 दिन हो गए बच्चा दे को. इसका स्टेप जो मिल्क है 17 लीटर रेडी है सर. 17 लीटर बिल्कुल सर. बिल्कुल लाइव मिल्किंग दिखा सकते हैं, 3 टाइम मिल्किंग कर सकते हैं. 17 लीटर मिल्क बिल्कुल रेडी है सर. अच्छा अच्छा. इसका सर प्राइस है सर 1,35,000 रुपए. आप सिंह की क्वालिटी ऑर्डर क्वालिटी आपके सामने है सर. बिल्कुल बराबर. ये बहुत आसानी से 18 से 20 लीटर दूध बिल्कुल प्यार से देगी सर. साइज में भी बढ़िया है. साइज में सर हर चीज में सर, साइज में, लेंथ में, हर चीज में सर आपको बढ़िया मिलेगी सर. तो भाई हमने अभी भैंस तो देख लिए, अभी लाइव मिल्किंग चल रहा है इसमें. हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल. बच्चा लगा दिया आपके सामने. ये आपके सामने फीमेल है इसकी. 20 लीटर बिल्कुल रेडी है इस टाइम मौके पे. 20 लीटर बिल्कुल. बच्चा कितना दिन का है अभी सर? 6 दिन का. 6 दिन का है. आपके सामने स्क्रीन में देखो फीमेल है. ये देखो फीमेल है. बराबर. तर बघू शकता शेतकरी मित्रांनो, मोठ्या मापाची भैंस आहे. 6 दिवस झालं डिलिव्हरी होऊन बाकी आणि आता 20 लिटर दूध चालू आहे. तर आपण लाईव्ह मिल्किंग करणार आहोत आता इथे. तर शेतकरी मित्रांनो बघू शकता आता या 20 लिटरच्या म्हशीची मिल्किंग चालू आहे. बादलीत बघू शकता तुम्ही काही नाही.
बकेट उसका 9.5 लीटर की है, 9.5 लीटर हाँ, लेकिन जो दूध है उसका दूध आएगा इसमें 6.5 लीटर के आसपास। अच्छा, थोड़ा फैन होता है ना, देता है ना वो, देख रहे बकेट क्या लीटर की है सर, वो ये ड्रामी क्या लीटर की है, इसलिए उसको भर देंगे पता लग जाएगा आपको। ठीक है, बीस बोल रहा है तो 21 मिलेगा, 19 नहीं मिलेगा, ये भी गारंटी देगा पूरा। हाँ, ऐसा नहीं है कि 20 बोला 19 भी मिल जाएगा, 21 मिलेगा। ठीक ठीक, ड्रामी यहाँ रख, पहले दिखा, पहले पलट के दिखा, खाली करके चल रख दे, डब्बा खा ले, बघू शकता मोकळी जी केटली असते दुधाची, यहाँ जा ठेवलेली आहे, राजा का बरे वो पलटे दे, बघा शेतकरी मित्रांनो, एक 9.5 लिटरची 9 लिटरची बादली तर बघू शकता, एवढी भरलेली आहे आणि अजून मिल्किंग चालू आहे, बघू आपण किती लिटर देते म्हैस दूध। ब्रीड का सर एक बेनिफिट और भी है, जो ब्रीड की फैल होगी बिल्कुल शांत होगी। हाँ हाँ हाँ। उसको मालूम चाहे 4 आदमी खड़े हैं पास, 5 खड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर ब्रीड का सबसे बड़ा आप यहाँ से लगाई चलना। हाँ हाँ। ब्रीड का बहुत बड़ा फर्क है ये, अभी देखो बहुत से लोग अभी सीमेन लगवा देते हैं, तो आपके हिसाब से नेचुरल ब्रीडिंग अच्छे या ऐसे आर्टिफिशियल? देखो वैसे नेचुरली जो सबसे वो सबसे अच्छी है। अच्छे, हाँ जी, तो उसमें ब्रीडिंग के बुल भी आते हैं? हाँ जी हाँ जी, आते हैं सर, हर तरह के हैं। अच्छा, सीमन भी ले लीजिए, बुल भी रख लीजिए, जो मर्जी सर, अपने अगर स्पेस आपके पास है तो बुल भी रख सकते हैं आप। ठीक ठीक, जो अच्छी भैंसों के बच्चे होंगे सर वो भी प्योरिटी पूरे आएंगे, पूरे अच्छे से रहेंगे, और अगर अच्छे से हम उसकी सेवा करते हैं तो ये लगा चले 2.5 साल का बच्चा अगले बच्चा देने तैयार होता है, सर बच्चा दे देता है। अच्छा, अगर उसको सही उसको दूध पिलाएं, 1 निप्पल दूध का पिलाएं, अच्छी फीडिंग करें तो बच्चा बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। बराबर, तर बघू शकता शेतकरी मित्रांनो, दुसरी बादली भरलेली आहे, आता तिसरी बादली परत एकदा लावली, तर बघा ही पूर्ण भरलेली आहे, तिकडे थोडासा फेस आहे वर, एक लीटर बच्चे को छोड़ना है, बच्चे को सर 1.5 लीटर छोड़ेंगे, फीमेल है ना, बच्चे को पिलाना जरूरी है। हाँ हाँ, तो बच्चे साथ माँ है, बच्चा नहीं तो फिर माँ किसी से। ठीक, अब इसको भी निकाल दिखाएंगे, बच्चे को छोड़ेंगे 1.5 लीटर, 1 लीटर बच्चे तो छोड़ दे, छोड़े बच्चे छोड़ दे, ये देखिए सर, वो असराला 1 लीटर छोड़ ये सर, अब ये 12 लीटर लगा लो, चलो आप कितने लीटर केटली ये 12 लीटर की सर, 12 लीटर हाँ, 2 लीटर आप फैस काट दीजिए इसका, बराबर तो 2.5 काट दीजिए, जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी 10 लीटर तो। हाँ, और बच्चे को अलग सर, बच्चे को अलग है, जब उठा। तर शेतकरी मित्रांनो, आपण या म्हशीचं लाइव मिल्किंग बघितलं, दूध दिखा दो वैसे बच्चे के लिए छोड़ रखा है बेटे, थन में थन देखो, ये देखो सब दूध बाकी है, तर बघा बच्चे 1.5 लीटर दूध छोड़ा अभी, रेडीला पण सोडलेला आहे आणि लाइव मिल्किंग पण केली, म्हशी पण बघितली एकदम चांगल्या क्वालिटीचा आहे, तो भाई आप क्या कहना चाहोगे किसानों को?
हाँ जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि जब जो भैंस लें तो ब्रीड पे लें, अच्छी भैंसें लें। ऐसे अगर आपका बजट कम है, अगर आपको लगे कि भाई बजट कम है, तो आप फर्स्ट सेकंड की ले लीजिए, छोटी भैंस की वो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 18-20 लीटर वाली भैंसें लें, और 18-20 लीटर वाली भैंसों लिए हमसे संपर्क करें। आप जब भी आप संपर्क करें, हर नंबर आपके पास स्क्रीन में आ ही रहा है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, नमस्कार। नमस्कार सर।